देश के प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है, और बजाय जिम्मेदारी तय करने के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री पंजाब सरकार के वो अनर्गल बयानबाजी करने, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वो कंफ्यूजन पैदा करने के बयान दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश के और लोकतांत्रिक देश के, गणतांत्रिक देश के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कुछ से षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री, देश के 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सैंध के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल विथ फुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो पहले समर्थन कर रहे थे जो कुछ भी हुआ, बाद में बोला कुछ सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, और थोड़ी देर के बाद बोला उधर लोग नहीं थे, लोगों को भी हमारा पूरा बसेस वगैरह बाहर खड़े कर दिया था, पुलिस को इंस्ट्रक्शन था स्टेट गवर्नमेंट से लोगों को उधर अलो नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को अलो नहीं करना, ये सब एक व्यवस्थित प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है, इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। बहुत शर्म की बात है, और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी।